उज्जैन के आगर रोड पर कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय विधानसभा क्षेत्र घटिया के निवास स्थान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में घटिया तहसील में अलग अलग पदों पर रहकर कांग्रेस में राजनीति करने वाले पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय, ग्रामीण अध्यक्ष सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ किस प्रकार छलावा कर रही है, हमसे गेहूं तुलवाया, ढाई महीने दो महीने हो गए लेकिन गेहूं का भुगतान नहीं हुआ। किसानों से सोसाइटियों में अगर किसान इस लालच में अपना पैसा जमा करा दिया कि मेरे को साल भर का ब्याज नहीं लगेगा, मैं डिफॉल्टर नहीं होऊंगा, मैं ओवरड्यू नहीं होऊंगा, तो उन्होंने वो पैसा भी जमा कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के न तो गेहूं का भुगतान कर पाई, न हम लोगों ने जो बैंक में सोसाइटियों में पैसा जमा किया वापस पैसा मिला, और उल्टा हमको साल भर का 13% ब्याज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से ले रही है। तो एक तरफ किसान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान साहब जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, लेकिन आय दुगनी तो नहीं कर रहे, पैसे किसानों से दुगने लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कहने की हमारे पास बहुत सारे मुद्दे चुनाव को लेकर है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव होना है, उसको लेकर घटिया और उज्जैन ब्लॉक के हम लोगों ने मीटिंग आयोजित की है। सारे साथियों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमारे गांव परिवार के ग्राम पंचायत को सरपंच जीत कर आए, जनपद में हमारे जनपद सदस्य जीत कर आए, जिला पंचायत के वार्डों में हमारे सदस्य जीत कर आए, ताकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डट का मुकाबला करने के लिए, उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए हमारे कांग्रेस परिवार के साथी जनपद, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में आए, ताकि आने वाले समय में इन इकाइयों के माध्यम से विकास करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।